आज के दौर में सियासतदानों के लिए संवेदनशील होना मायने नहीं रख रहा है, बल्कि हर वक्त सियासत निखारने के मौके की तलाश है। भले ही जवानों की शहादत जैसा संवेदनशील मसला ही क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में जाजी के जवान शहीद हो गए। इधर नम आंखों से उन्हें विदा करने की तैयारी चल रही थी, उधर सियासी सुरमाओं ने इस मामले पर सियासी बयानबाजी करना भी शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है नक्सली हमला कर रहे हैं, जहां भाजपा की सरकार है वहां नक्सली मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जहाँ नक्सली मारे जा रहे हैं। प्रदेश में 1.5 साल में 8 बड़े नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। 2-3 दिन पहले का मध्य प्रदेश का है और कल का छत्तीसगढ़ का, और दो सरकारें हैं, एक मध्य प्रदेश की है, एक छत्तीसगढ़ की है। दो पार्टियां, एक कांग्रेस है, एक भाजपा की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां नक्सली हमला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पुलिस हमला कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए के नक्सली एक साल के अंदर 8 बड़े-बड़े नक्सली मध्य प्रदेश की पुलिस ने मार गिराए, हॉक फोर्स ने मार गिराए। पुलिस को बधाई, हमारी हॉक फोर्स को बधाई। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, शिवराज सिंह जी की सरकार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असंवैधानिक गतिविधि करता है, शांति भंग करता है, माफिया राज स्थापित करता है, नक्सली राज स्थापित करता है, वो मध्य प्रदेश में पनप नहीं सकता है, जड़ से उखाड़ दिया जाए। उनके इस बयान पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसा है कि लोग मौका देखते हैं और रोटी सेकने लग जाते हैं। सिंहदेव ने कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को इस संवेदनशील मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वही सीएम भूपेश बघेल ने भी नरोत्तम मिश्रा पर करारा हमला बोला है। दुर्भाग्य है देश का और राजनीतिक परिस्थिति का कि जहाँ 11 लोगों की शहादत होती है वहाँ कुछ लोगों को राजनीति ही समझ में आती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों तो नहीं कहा कि अमित शाह जी अभी वहां होके आए और उसके बाद बम ब्लास्ट हो गया। केंद्र सरकार के साथ पूरा काम चल रहा है। ना अमित शाह जी ने कभी कहा कि उनको वहां कोई काम करने में दिक्कत हो रही है। ये डबल इंजन की बोगस जो प्रचार इन लोगों ने एक चालू कर रखा है, वो कम से कम ऐसे संवेदनशील मामलों में इनको नहीं करना चाहिए। मैं नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि एक नक्सली घायल हुआ है और एक को जिंदा पकड़े, ऑपरेशन में गया। ऑपरेशन में कई बार हमें सफलता मिलती है, कई बार ये है कि हमको नुकसान उठाना पड़ता है। हमने नुकसान उठाया है, लेकिन हम लोग इससे कोई हताश या निराश नहीं है। इससे बल्कि हमारे जवानों का मनोबल और बढ़ा है और तेजी से कार्रवाई करेंगे। नक्सलवाद की समस्या देश और प्रदेश के लिए नासूर है। आमजन के साथ ही सुरक्षा बलों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम सियासी दलों को एकजुट होकर इससे निजात पाने की रणनीति पर काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INews 24/7।